हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम मास्टर। मेरा नाम डिम्पी है और हम आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। सो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बॉब विलीज रिसेंटली डाइड ऑन 4th of December 2019। हु वॉज ही? बॉब विलीज नाम के पर्सनैलिटी की अभी हाल में डेथ हुई है 4 दिसंबर 2019 को, तो वो कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है क्रिकेटर। बॉब विलीज एक क्रिकेटर थे जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। ये हैं बॉब विलीज। इनका पूरा नाम था रॉबर्ट जॉर्ज डायलन विलीज। ठीक है, रॉबर्ट जॉर्ज डायलन विलीज बॉब विलीज का पूरा नाम था और इनकी डेथ हुई है एक्चुअली कैंसर से। प्रोस्टेट ग्लैंड में इनको कैंसर था, तो प्रोस्टेट कैंसर था इनको बेसिकली, तो इसके वजह से उनकी डेथ हुई है। एंड ये इंग्लैंड क्रिकेट टीम के एक फास्ट बॉलर थे। ठीक है, ये बॉलर थे, बहुत फास्ट बॉलर थे ये, और ये इंग्लैंड से थे, इंग्लैंड क्रिकेट टीम से थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वॉलंटियर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, हर साल इंटरनेशनल वॉलंटियर डे सेलिब्रेट होता है, तो वो कब होता है? तो 5th दिसंबर को होता है। 5 दिसंबर को इंटरनेशनल वॉलंटियर डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2019 का इंटरनेशनल वॉलंटियर डे का थीम क्या था? तो इसका थीम था, वेट अ मिनट, इसका थीम था वॉलंटियर फॉर एन इंक्लूसिव फ्यूचर। ठीक है, ये इसका थीम था 2019 का। ठीक है, 2019 इंटरनेशनल वॉलंटियर डे 2019 का ये थीम था, वॉलंटियर फॉर एन इंक्लूसिव फ्यूचर। वॉलंटियर का मतलब होता है कि जब भी आप किसी को अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हो बिना कुछ पैसे लिए या फिर बिना दबाव के। ठीक है, सेल्फलेसली आप करते हो, इसका हिंदी वर्ड है स्वयं सेवक। ठीक है, तो उसको वॉलंटियर बोलते हैं। सो आई होप इट्स क्लियर। वॉलंटियर, इंटरनेशनल वॉलंटियर डे का थीम भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वॉलंटियर फॉर एन इंक्लूसिव फ्यूचर। दिस इज इंटरनेशनल वॉलंटियर डे, और ये डे इसीलिए मनाया जाता है ताकि ये मतलब एक चांस देता है लोगों को कि वो सेल्फलेसली आके अपने स्किल्स को, अपना टाइम को आके कंट्रीब्यूट करें, लोगों को डोनेट करें और अपना अपने सर्विस को प्रोवाइड करें सेल्फलेसली। ठीक है, बिना कुछ किसी से लिए पैसे वैसे या फिर सेल्फलेसली करें, एक अपॉर्चुनिटी देता है इंटरनेशनल वॉलंटियर डे। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड मधु ऐप फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। अभी हाल में एक ऐप लॉन्च हुआ है मधु ऐप, वो किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए? तो इसका आंसर है ओडिशा। ओडिशा की गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है, और ये जो मधु ऐप है ये इसलिए लॉन्च हुआ है ताकि क्लासरूम लर्निंग को और बेटर बनाया जा सके, स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट पे फोकस किया जा सके और स्टूडेंट्स अच्छे से बहुत इजीली पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो बेसिकली इसका ये मोटिव है मधु ऐप का। और थोड़ा सा ओडिशा के बारे में जानते हैं, ओडिशा के सीएम कौन है? ओडिशा के सीएम है नवीन पटनायक। ठीक है, उन्होंने ही मधु ऐप को लॉन्च किया है। ओडिशा के सीएम हो गए नवीन पटनायक। और ओडिशा के जो गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल जी ओडिशा के गवर्नर हो गए। और ओडिशा का कैपिटल क्या है? तो ओडिशा का कैपिटल हो गया भुवनेश्वर। ठीक है, याद रहेगा, आई होप सो याद रहेगा। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह है नवीन पटनायक, ओडिशा के सीएम, जिन्होंने मधु ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिल्म फेयर 2019 हु इज अवार्डेड विथ डीवा ऑफ द ईयर। 2019 के जो फिल्म फेयर अवार्ड हुए थे उसमें डीवा ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? तो उसका आंसर है मलाइका अरोरा। मलाइका अरोरा जी को डीवा ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। यह मलाइका अरोरा, ये एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, डांसर हैं और टेलीविजन एक्ट्रेस भी हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, हु बिकम
द सीईओ ऑफ गूगल्स पेरेंट कंपनी अल्फाबेट, गूगल की एक पेरेंट कंपनी है जिसका नाम है अल्फाबेट, तो इसके सीईओ किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर है सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई जी को गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट उसका सीईओ बनाया गया है। सुंदर पिचाई जो है ना वो एक इंडियन है, ठीक है, लेकिन ये अमेरिका में रहते हैं, वहाँ की सिटीजनशिप ले ली है, तो ये इंडियन अमेरिकन हो गए। एंड ये हैं तमिलनाडु से, ठीक है, तमिलनाडु से ये बिलोंग करते हैं सुंदर पिचाई। इनका पूरा नाम है पिचाई सुंदरा राजन, पिचाई सुंदरा राजन सुंदर पिचाई का पूरा नाम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेवी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, हर साल इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट होता है, जैसे आर्मी डे होता है वैसे ही नेवी डे भी होता है, तो ये कब होता है? 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। डे मनाया क्यों जाता है? तो नेवी डे हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि जो ऑपरेशन ट्रीडेंट हुआ था उसी की याद में हम नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं। ऑपरेशन ट्रीडेंट क्या था? 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हो रहा था, तब इंडियन नेवी ने कराची के हार्बर, मतलब कि जहाँ पे वो कराची में जो नेवी, उनके जो पाकिस्तान के जो नेवी हैं वो जहाँ पे शिप्स वगैरह रखते हैं उसको हार्बर कहते हैं, ठीक है। तो इंडियन नेवी ने क्या किया कि कराची के हार्बर पे अटैक कर दिया, ठीक है, और पहली बार 1971 के वॉर में ही पहली बार एंटी मिसाइल शिप्स का यूज़ किया गया वॉर में, ठीक है। तो इसी की याद में हम इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं, 4 दिसंबर को हम ये सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन बैलन डीओर 2019 का बैलन डीओर का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है लियोन मेसी, लियोनेल मेसी ने बैलन डीओर 2019 का खिताब जीता है। बैलन डीओर किसके लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर है फुटबॉल, ये फुटबॉल के लिए दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि वर्ल्ड कप होता है क्रिकेट के लिए, वर्ल्ड कप दिया जाता है क्रिकेट के लिए, वैसे ही बैलन डीओर जो है वो दिया जाता है फुटबॉल के लिए। लियोनेल मेसी एक फुटबॉल प्लेयर हैं और लियोनेल मेसी जो हैं उन्होंने 6 बार, ठीक है, 6 बार बैलन डीओर का खिताब जीता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बार जो जीतने वाले हैं वो है लियोनेल मेसी। ये हो गए लियोनेल मेसी जिन्होंने 2019 का बैलन डीओर का खिताब जीता है और इन्होंने 6 बार जीता है ये चीज़। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू इंस्टॉल मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा? दुनिया का सबसे पहला देश जिसने मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा को लगाया है वो कौन है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे पहला कंट्री है जिसने मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा को लगाया है, और ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा इसलिए किया है ताकि वो रोड एक्सीडेंट्स को रोक सके, टू प्रिवेंट द रोड एक्सीडेंट्स। आजकल रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने एक इनिशिएटिव लिया है, मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा को लगाने वाला सबसे पहला देश दुनिया का ऑस्ट्रेलिया है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ मॉरिशियस? मॉरिशियस के नए राष्ट्रपति, नए प्रेसिडेंट के तौर पे किसको अपॉइंट किया गया है? तो पृथ्वीराज सिंह रूपन जी को मॉरिशियस का नया प्रेसिडेंट चुना गया है, नए राष्ट्रपति के तौर पे पृथ्वीराज सिंह रूपन जी को अपॉइंट किया गया है। अब जब मॉरिशियस के प्रेसिडेंट की बात आई है तो मॉरिशियस के प्रधानमंत्री कौन हो गए? तो वो हैं प्रविंद जुगुनाथ। प्रविंद जुगुनाथ मॉरिशियस के इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये हो गए मॉरिशियस के प्रेसिडेंट पृथ्वीराज सिंह रूपन और ये हो गए मॉरिशियस के प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जुगुनाथ, ठीक है। नेक्स्ट इज, वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, हर साल वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे कब सेलिब्रेट होता है? वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे का मतलब है कि विश्व में विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, या फिर दिव्यांगत भी बोल सकते हैं, तो ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को।
हर साल 3 दिसंबर को हम वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे सेलिब्रेट करते हैं। ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि हम लोगों को अवेयर कर सकें, उनको बता सकें कि जो फिज़िकली चैलेंज्ड हैं या फिर फिज़िकली डिसेबल्ड लोग हैं उनको एक्सेप्ट कर सकें हम सोसाइटी में और उनके प्रति रिस्पेक्ट हो सके, ताकि हम डिफरेंस ना करें जो नॉर्मल पीपल होते हैं या फिर और जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनके बीच हम डिफरेंस ना करें। तो एक सोसाइटी में एक्सेप्टेंस होना चाहिए ये जो भी फिज़िकली डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए, इसलिए हम वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे सेलिब्रेट करते हैं। 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विकलांग को हटा करके उन्होंने कहा कि हम इसको दिव्यांग दिवस कहेंगे, ठीक है। तब से आज तक हम इसको दिव्यांग दिवस के नाम से जानते हैं। विकलांग दिवस एक थोड़ा सा आज का लास्ट क्वेश्चन है। वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन हर साल वर्ल्ड एड्स डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं? तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं फर्स्ट दिसंबर को। हर साल 1 दिसंबर को हम वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं। और एड्स जो है, एड्स का फुल फॉर्म क्या हो गया? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। वर्ल्ड एड्स डे इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हम लोगों में अवेयरनेस जगा सकें, उनको पता चल सके एड्स के बारे में। एक लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन पे। तो क्वेश्चन है कि अभी मैंने इंडियन नेवी डे के बारे में बताया कि 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है, उसके पीछे की कहानी भी बताई कि क्यों हम इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं। अब 1971 में जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ उसके पीछे रीज़न क्या था, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। एंड जो भी इसका करेक्ट आंसर मेरे को देगा मैं उसका नाम अपने नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करूँगी। सो इस सवाल का जवाब हम कल डिस्कस करेंगे और आप सबको इस सवाल का जवाब देना है कमेंट सेक्शन पे, मैं पढ़ूँगी एंड जो भी करेक्ट आंसर देगा मैं उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मेंशन करूँगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। And I'll see you tomorrow. Thank you for watching this video.